बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्ला कमर और आज हम बात करेंगे CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम है उसका जो पैटर्न होगा वो आप लोगों ने देख लिया होगा। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि अनाउंसमेंट सेक्शन में या फिर जो MDB है उसके अंदर आपने CS403 का जो इस सेमेस्टर में पेपर होने हैं वो ज़रूर देख लेने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो डिफरेंट हो रहा है। MCQ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होंगे सवाल, और किस तरह का पेपर आता है, कौन से इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उसका अंदाज़ा आप वहाँ से लगा सकते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं तो अब इन पेपर्स को, चार पेपर का हमने जायज़ा लेना है। ये पेपर है जी, अगर आप गौर से देखें तो कमिट एंड रोल बैक लेक्चर 40 के बाद है, रेड एंड टेक्नोलॉजी लेक्चर नंबर 35 के बाद का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जी कि हैशिंग, ये भी 35 के बाद का है। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं, ये प्री मिड का सवाल है। उसके बाद रिडंडेंट डेटा क्या होता है और रिडंडेंसी को हम किस तरह से रिमूव करते हैं, ये भी प्री मिड का क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखें जी इनर जॉइन और आउटर जॉइन है, लेक्चर नंबर 34-35 में से है। डेडलॉक है लेक्चर नंबर 43 में से है। इंडेक्स नेम है तो ये भी लेक्चर नंबर 36 में से है। लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर का आया हुआ है अगर आप इसको देखें तो ये भी हमारे पास जो है वो, क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि इसमें से आपने फाइंड आउट करना है इंडेक्सेस को, तो ये भी लास्ट लेक्चर्स में से ही हमारे पास है। लेक्चर नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, 5 नंबर का व्यू आपके पास मौजूद है और आपको कहा गया बनाने का, ये भी लास्ट लेक्चर्स में से है। उसके बाद टेबल 1 और 2 है और इंडेक्सेस आपने बनाने हैं, ये भी लेक्चर नंबर 36 के बाद है। डेडलॉक का फिर क्वेश्चन आ गया लेक्चर नंबर 40 के बाद का, और डेडलॉक है और ये आंसर मौजूद है। तो यानी ये पहला पेपर है। दूसरे पेपर में आप देखें 2 नंबर का क्वेश्चन है अनोमलीज के बारे में, जो आपके पास 23 के बाद है, और ये सिंपल व्यूज अगेन आपके पास 36 के बाद वाला पोर्शन है। और उसके बाद यानी जो जो हमेशा से मैं बात करता हूँ, जो मैं आर्गुमेंट देता होता हूँ अपने हर वीडियो के अंदर और अपने हर लेक्चर के अंदर, जो मैं आर्गुमेंट देता हूँ वो आर्गुमेंट मेरा ये होता है कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना, वो आपका 30 से 45 होता है। यानी जो मेजर आपके शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के 3 नंबर के और 5 नंबर के जो बड़े सवाल आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके सिलेबस को, जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, इसका जो सिलेबस है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा जो फाइनल का है उसके अंदर SQL स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। SQL स्टेटमेंट्स, उसमें सेलेक्ट की स्टेटमेंट आ सकती है, उसमें अल्टर की स्टेटमेंट है, क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट है, ग्रुप बाय की क्लास है, यानी SQL कमांड्स जो हैं वो आपके पास कौन कौन सी हैं, उसके ऊपर मुकम्मल और जामे वीडियो आपको मिलेगी, जो कि लेक्चर नंबर 23 से लेकर कम अज़ कम लेक्चर नंबर आपको 32, 33 और 34 तक आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर करेगी, जिसके अंदर ये चीज़ें मैंने जो है ना वो डिस्कस की है। ज्वाइन वाला पोर्शन इंतहाई इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, इसमें से लाजमी तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन यानी MCQ से हट कर भी लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आएगा, वो 3 नंबर का भी हो सकता है और वो 5 नंबर का भी हो सकता है। ज्वाइंस, किसी ज्वाइन के बारे में क्वेरी लिखने को दी जा सकती है, या 2 टेबल्स दिए जा सकते हैं उनके ऊपर ज्वाइन को इम्प्लीमेंट करने के बारे में बताया जा सकता है। और ये चीज़ भी जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको करवाई है। उसके बाद इसके अंदर लेक्चर नंबर 32 जो है और 33 जो है, ये हमारे पास है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के हवाले से। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपने इसको पढ़ लेना है। कोई भी डेटाबेस एप्लीकेशन जो होती है उसके अंदर जो हम डाटा को इनपुट करते हैं और जो डाटा को आउटपुट करते हैं वो फॉर्म्स और रिपोर्ट्स की सूरत में करते हैं। यानी आप डाटा को स्टोर तो टेबल्स में करते हैं
डेटा को मैनिपुलेट आप एसक्यूएल कमांड्स के जरिए करते हैं, लेकिन एक्चुअली आपके सामने मुख्तलिफ फॉर्म्स आते हैं, उन फॉर्म्स के जरिए ही डेटा को इनपुट किया जाता है और रिपोर्ट्स के जरिए डेटा को देखा जाता है। लेक्चर नंबर 32 के अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताया गया है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रोग्राम्स जो डेटाबेस को यूज करते हैं। आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जब आप चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, फॉर डीआईटी एजुकेशन को ही हम खोल लेते हैं, तो इसके अंदर जब आप कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक, ये देखें ये यूजर नेम और पासवर्ड है, ये इसका इंटरफेस है। जब आप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दे के लॉग इन पे क्लिक करते हैं तो ये डेटाबेस में जाके चेक करता है। इसके पीछे क्वेरी चलती है कि जो क्वेरी जाके डेटाबेस में चेक करती है कि क्या ये यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस में मौजूद है या नहीं है, यानी सेलेक्ट की स्टेटमेंट लगती है। लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, ये एक इंटरफेस है, ये एक छोटा सा फॉर्म बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह आपकी जो भी डेटाबेस की एप्लीकेशन होती है उसका कोई ना कोई इंटरफेस होता है, उसमें फॉर्म्स बनाए होते हैं और वो फॉर्म्स यूजर फ्रेंडली होते हैं। उनके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन, उनके अंदर जो है वो डेट, कैलेंडर, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इनपुट की जाती हैं। आप यहाँ पर वैक्सीनेशन वाला खोल के देख लें, नेम्स वाला ये देखें, ये नादरा का रजिस्ट्रेशन है। इसके पीछे तो पूरी डेटाबेस है लेकिन ये एक यूज़र फॉर्म है, ये एक इंटरफेस है जो कि आसान भी है। यहाँ आपने डेट लिखनी है तो उसने कैलेंडर बना दिया है, ये सपोर्ट करता है कि आपका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। किस तरह फॉर्म्स बनाए जाते हैं एक्सेस की एग्जाम्पल दे के यहाँ पे समझाया गया है, और फॉर्म्स किस तरह से आपको हैंडल करते हैं, फॉर्म्स को कैसे बनाया जाता है, सिंपल बात है, यूज़र फ्रेंडली होते हैं, उनके अंदर आसानी से डाटा को इनपुट एंड आउटपुट किया जा सकता है। ये तीन चार बातें आपने 32 और 33 में पढ़ लेनी है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ये है फाइल ऑर्गेनाइजेशन का, ये टॉपिक थोड़ा सा बेहतर है, इसको आपने हैशिंग, हैश फंक्शन, हैश करेक्टरिस्टिक्स, मैपिंग, ओपन एड्रेसिंग, ये चीज़ें, ये बेसिकली क्या है कि आपकी जो डेटाबेस है ये आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर जाकर डेटा को किस तरह से फिजिकली स्टोर करती है, इस चीज़ को हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आपने ये पढ़ा है कि डेटाबेस के अंदर डेटा टेबल्स की सूरत में स्टोर होता है। हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जी फिजिकल डेटा स्टोरेज बाय DBMS, ठीक है, ये मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने इमेज बनाया, तो आप देखें जी कि हमारे पास फिजिकली डेटा जो है वो किस तरह जाके आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है, जरा ये देखिए। हमारे पास ये आपकी डेटा फाइल्स और डेटा डिक्शनरी है, डेटा है, और ये एक पूरा व्यू है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ओरेकल, एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है। ये यूजर्स हैं जो क्वेरीज के जरिए, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के जरिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के जरिए और मुख्तलिफ चीज़ों के जरिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यूजर या एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये डेटा को यूज़ कर रहे हैं। डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, इन दोनों के दरमियान एक DBMS सिस्टम मौजूद है जो कि इनको डेटा दिखाता है कि जी डेटा टेबल्स की सूरत में पड़ा हुआ है, डेटे के ऊपर आप क्वेरीज लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा जो है ये आपकी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा आपका उसी तरह गोल्ड ट्रैक्स हैं, उसी तरह प्लेट्स हैं जिनके ऊपर डेटा जाके जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। तो किस तरह से डेटा एक्चुअली जाके इंटरनल लेवल के ऊपर जाके स्टोर होता है, इस चीज़ को हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि डाटा एक्चुअली आपकी हार्ड डिस्क में जाके किस तरह से स्टोर होता है। ये चीज़ें लेक्चर नंबर 35 में डिस्कस की गई हैं, मुख्तलिफ लेवल्स बताए गए हैं, रैम में किस तरह स्टोर होता है, फिर बताया गया है हार्ड डिस्क पे जाके किस तरह स्टोर होता है, रेड लेवल 0 क्या है, रेड लेवल 1 क्या है, रेड लेवल 2 क्या है, एक एक दो दो तीन तीन लाइनों की डेफिनेशन है जो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उनके अंदर भी ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना वो मुख्तसर तौर पर लिखी हुई होंगी। मैं खोल के देखता हूँ, अगर यहाँ पे मुझे नज़र आ गए शॉर्ट नोट्स CS403, ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, और इनके अंदर अगर आप देखें ये ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट है और ये व्यूज हैं, ये हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो कि आपको ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आ गई, ये देखिए
फाइल ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीका ये है कि डायरेक्ट एक्सेस फाइल है, कोई इंडेक्स नहीं बनाया होता, फाइल जाके स्टोर हो जाती है और बगैर इंडेक्स के आपने उसको रीड करना होता है। एक होती है इंडेक्स सीक्वेंशियल, जो फाइलें स्टोर की जाती हैं उनके इंडेक्स बनाए जाते हैं, और जब भी किसी फाइल को तलाश किया जाता है तो इंडेक्स में देख के फिर पर्टिकुलर हार्ड डिस्क के फिजिकल उस एरिया के ऊपर जाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ फाइल ये टोटल फाइल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है, जिसमें आपने इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल, डायरेक्ट फाइल सीक्वेंशियल, और इसके अंदर आप पढ़ोगे रेड लेवल 0 भी है, रेड लेवल 1 भी है, वो आपने देखा। उसके बाद हैशिंग का फंक्शन है, हैशिंग फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं और हैश एक्सेस करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। हैशिंग और रीहैशिंग और मैपिंग ये और क्लियन, ये बेसिकली क्या है कि जब आप अपने फाइल्स को हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हो तो उन फाइल्स को एज इट इज स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि उसके ऊपर डिफरेंट हैशिंग फंक्शंस लगाए जाते हैं जो कि उसकी नेचर को और उन डाटा को एनक्रिप्ट करके वहां पे स्टोर कर देते हैं। तो वो फंक्शंस कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। मैपिंग फंक्शन का मतलब होता है कन्वर्टिंग, कि वो किस तरह से हैश को कन्वर्ट करते हैं एनक्रिप्टेड डाटा में, और किस तरह एनक्रिप्टेड डाटा को दोबारा वो हैशिंग के अंदर जो है ना वो यूज करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है जिसमें फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, हैशिंग है और हैश एक्सेस करेक्टरिस्टिक्स है, ये अगर आप इनको जाके इन हैंडआउट्स में देखोगे, नीचे अगर मैं चला गया तो बहुत लंबा हो जाना है काम और ये लेक्चर खत्म होने में नहीं आएगा। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ ये दो दो तीन तीन लाइनों की डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं कि जो हैंडआउट्स हमने शॉर्ट किए हैं उनके अंदर हमने कितना कितना इसको लिखा है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ से ये लेक्चर शुरू हो रहा है और अगर आप देखें तो ये 1.5 पेज का लेक्चर है और यहाँ पे आके ये खत्म होके इंडेक्सेस वाला पोर्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इंडेक्सेस हमारे पास क्या है। इंडेक्सेस से मुराद ये है कि आप उन फाइल्स को जब स्टोर करते हो इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल या हैशिंग फंक्शंस के जरिए, एक तरीकाकार उनका ये है कि आप उन रिकॉर्ड्स का इंडेक्स बनाओ वहां पे जाके। 270 नंबर हमारे पास ये टोटल है, हम यहाँ पे चलते हैं, ये देखें इंडेक्स बनाएंगे हम और इंडेक्स की क्लासिफिकेशन आपने याद करनी है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखें ये आपके पास टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, ये आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर एक इंडेक्स बना हुआ है। जब आप किसी रिकॉर्ड को ढूंढते हैं तो आप डायरेक्टली उस टेबल के उस पोर्शन में चले जाते हैं जहाँ पर ये रिकॉर्ड आपकी फिजिकल हार्ड ड्राइव के ऊपर स्टोर होता है, और ये सारा कुछ इंडेक्स को बनाना, इंडेक्स को लिंक करना, हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा स्टोर करना, ये सारा काम आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है, वो चाहे आपका एक्सेस है, वो चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, वो आपका ओरेकल है या जो भी है, ठीक है। ये जो इंडेक्सिंग की जाती है इनकी मुख्तलिफ इकसाम है, मसलन प्राइमरी इंडेक्सिंग होती है, क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग है, अनक्लस्टर्ड है, सिंगल की के ऊपर है, कंपोजिट इंडेक्सेज है, ट्री बेस्ड होती है, इन्वर्टेड होती है और पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन दो दो तीन तीन लाइनों की आपको याद होनी चाहिए। हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है, सॉरी, अगर आपने प्राइमरी की बुनियाद के ऊपर इंडेक्स बनाया है तो ये प्राइमरी इंडेक्स कहलाता है। अगर आपने प्राइमरी की बुनियाद पर नहीं बल्कि जो सेकेंडरी कीज होती हैं, जो नॉन प्राइमरी की होती हैं लेकिन उनमें ये फैसिलिटी होती है कि वो डाटा को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, प्राइमरी की और सेकेंडरी की का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। अगर आप इंडेक्स बना रहे हैं प्राइमरी की के ऊपर तो फिर ये प्राइमरी इंडेक्सेस कहलाएगा, अगर आप बना रहे हैं सेकेंडरी की के ऊपर तो फिर ये आपका सेकेंडरी इंडेक्सेस कहलाएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपको हासिल करने के लिए जी 03016488463 व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। वहाँ से आपको एक नंबर मिलेगा मिस्टर अरशद का, उससे आप रब्ता करेंगे तो वहाँ से ये मिलेगा, चूँकि ये मैंने उससे बनवाए हैं और वही इसका सोल प्रोप्राइटर है जी। उसके बाद देखेंगे हमारे पास सेकेंडरी इंडेक्सेस हो गए, इसके अलावा हमारे पास जी इन्वर्टेड इंडेक्सेस हैं, लिंक्ड लिस्ट हैं और बी प्लस यानी बाइनरी ट्रीज हमारे पास मौजूद है। ये एग्जांपल आपने ज़रूर याद करनी है जी, ये देखें जी क्रिएट इंडेक्स की क्वेरी कैसे लिखी जाती है, और ये एक एग्जाम्पल दी हुई है क्रिएट यूनिक इंडेक्स, आगे आपने टेबल के उस फील्ड का नाम लिखा हुआ है ऑन है, और उसके बाद स्टूडेंट का जो नाम टेबल है वो लिखेंगे, उसके बाद आप उसके नाम को असेंडिंग में, और ये यानी ये एक एग्जांपल आपने ना कर लेनी है। पेपर में 5 नंबर का सवाल या
आ सकता है कि आपको टेबल दिया हुआ होगा और आपसे कहा जाएगा कि इंडेक्स जो है वो इसका क्रिएट करके दिखाओ, तो फिर ये स्टेटमेंट आपने वहां पर लिख के दिखानी होगी। ठीक है, ये वाली एग्जांपल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 वाली, क्रिएट ए व्यू, और इस तरह आपने इंडेक्स का ये वाला जो पोर्शन है ये आपने लाजमी एक एग्जाम्पल आपने करके देख लेनी है। मुश्किल कोई नहीं है, ये देखें इसका ओवरऑल इंडेक्स लिखा हुआ है कि आप क्रिएट लिखें, उसके बाद ब्रैकेट में आपने यूनिक लिखना है। अगर वो कहे कि यूनिक बनाना है तो यूनिक लिखना है, अगर वो कहे क्लस्टर्ड बनाना है तो क्लस्टर्ड लिखना है, अगर वो कहे अनक्लस्टर्ड बनाना है तो इन तीनों में से एक लफ्ज यहाँ पर आप लिखें। इंडेक्स का लफ्ज लाजमी लिखा जाएगा, जो ब्रैकेट में होता है ना ये ऑप्शनल होता है। उसके बाद जिस की के ऊपर उसने बनाने का कहा है ये उसका नाम है, उसके बाद ऑन भी कीवर्ड है, फिर उस टेबल का नाम लिखेंगे या व्यू का नाम लिखेंगे, व्यू हम आगे पढ़ेंगे, और उसके कौन से कॉलम है उन पर असेंडिंग में लगाना है, डिसेंडिंग में लगाना है, एक कॉलम पे लगाना है तो एक का नाम, और अगर एक से ज्यादा लगाना है तो एक से ज्यादा। ये एग्जांपल भी हुई है, क्रिएट यूनिक इंडेक्स एसटी नेम के ऊपर यूनिक इंडेक्स को क्रिएट करो स्टूडेंट के टेबल में से, और एसटी नेम को असेंडिंग कर लो जो फर्स्ट नेम, और जो एसटी का जो फर्स्ट नेम है इसे डिसेंडिंग कर लो। यानी ये एक इंडेक्स क्रिएट करने का कोड है। ठीक है, इंडेक्सेस के बाद आपके पास जो लेक्चर नंबर 38 है इसके अंदर भी इसी चीज को बताया गया है, क्लस्टर और अनक्लस्टर में क्या फर्क है, डेंस और स्प्रॉड इंडेक्सेस क्या हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या हैं, और कंपोजिट सर्च कीज क्या हैं। एक एक लाइन की एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है, एक एक लाइन की आपने सिर्फ डेफिनेशन इनकी याद करनी है। कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने दे दिया कि इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है। ठीक है, ये देखें इंडेक्स की, डिलीशन की, और एक एक लाइन की जो है ना वो डेफिनेशन है, जो आपने सिंपल एक एक लाइन की डेफिनेशन है। लेक्चर नंबर 39 इसके अंदर डिस्कस किया गया जी व्यूज को, इम्पॉर्टेंट बार बार कह रहा हूँ, इंडेक्सेस, व्यूज, ट्रांजैक्शन, डेडलॉक, चार चीजें लेक्चर नंबर 36 के बाद शुरू होती हैं। इनमें से अगर आपका पेपर 40 नंबर का होगा तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इनमें से 15 नंबर का या 16 नंबर का पेपर, ये मैं मोहतात अंदाजे में बता रहा हूँ, 20 नंबर का भी आ सकता है। हम लोग स्टूडेंट अक्सर एमसीक्यूज पे फोकस करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना होता है कि जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है वो ज़्यादा होता है एमसीक्यू। कल मैं एक पेपर की स्कीम पढ़ रहा था जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है कि 16 एमसीक्यूज आने हैं, 16 नंबर के, चार सवाल तीन तीन नंबर के आने हैं 12 नंबर के, और तीन सवाल जो हैं वो पांच पांच नंबर के आने हैं 15 नंबर। अब 15 और 12 27 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर है, 16 नंबर का जो है वो आपका जो था ना वो ऑब्जेक्टिव पेपर था। तो हम एमसीक्यूज के पीछे तो पड़ जाते हैं, एमसीक्यूज की तो बनी बनाई फाइलें आपको मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और सोर्स भी बता देता हूँ, MCQsFoundry.com पे आप चले जाएंगे, यहाँ पे 1000 सवाल जो है ना वो पड़ा हुआ है डेटाबेस के रिलेटेड, CS403 का 1000 MCQ जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे स्टोर है। मेरा ख्याल है कंप्यूटर साइंस की ऑप्शन कहाँ पे है, ये है कंप्यूटर MCQ है। ठीक है, और इसके अंदर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे CS403 लिख के देखो, जरा सर्च करो, ये देखें जी डेटाबेस लिख के डेटा DBMS, तो आपको DBMS यहाँ पर मिलेगा, ये देखिए डेटाबेस सब्जेक्ट MCQs। अब आप जब इस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ये मुख्तलिफ सेट मिलेंगे, 901 910, ये देखेंगे 1000 MCQs जो है वो डेटाबेस से रिलेटेड यहाँ पर मौजूद है। ये आप अपने फ्यूचर के लिए भी जहन में रख सकते हैं, और इसी इम्तहान के लिए भी आप इसे यहाँ से भी MCQs को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे आप नेक्स्ट व्यूज, हमारे पास क्या है व्यूज, किस लिए जनरेट होते हैं व्यूज, हमारे पास डेटाबेस के अंदर टेबल हैं, क्वेरीज हैं, तो व्यूज जो होते हैं जनरली हमारे पास ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी जी कुछ स्टूडेंट को पता है मैं
अभी अभी जो है ना कोविड इन्फेक्शन से रिकवर हो रहा हूँ, तो ये आखिरी अलामत है कोविड की रिकवरी की जो रह गई है कि खांसी है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ठीक हो गया। ओके जी, तो व्यूज क्या है जी हमारे पास? व्यूज तो आपकी डेफिनेशन है जी, जनरली यूज टू फोकस, सिंप्लीफाई, कस्टमाइज। आपकी जो डेटाबेस है उसके टेबल में जब आप क्वेरी लगाते हैं तो जो रिजल्ट आपको नजर आता है वो भी व्यू है। आप दो टेबल्स में से क्वेरी लगा के जो रिजल्ट देखते हैं वो भी आपका व्यू है। आप सिर्फ टेबल पर डबल क्लिक करते हैं, टेबल का डाटा आपके सामने आ जाता है, वो भी आपका व्यू है। तो व्यू जो है ये आपके सामने डाटा को शो करते हैं। एक्चुअल डाटा तो आपका टेबल्स के अंदर मौजूद होता है, टेबल्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद होता है, लेकिन डायनामिकली अपने डाटा को देखने के लिए आप जिस वर्चुअल टेबल को इस्तेमाल करते हैं उसे हम व्यू कहते हैं। यानी ये जो नज़र आ रहा होता है ये रैम के अंदर पड़ा होता है, ये एक वर्चुअल टेबल होता है। असल में आपका टेबल, आपकी डेटाबेस आपके DBMS के पास में महफूज पड़ी होती है। ठीक है, आप अपने व्यू को कोई नाम दे सकते हैं, फील्ड्स उसके डिफाइन कर सकते हैं, कॉलम्स को अपनी मर्जी का टाइटल दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें सिंपल हैं जब आप यूज़ करते हैं क्वेरी को। व्यूज़ की हमारे पास टाइप्स होती हैं जी, मटीरियलाइज्ड व्यू क्या हैं, सिंपल व्यूज़ क्या हैं, कॉम्प्लेक्स व्यूज़ क्या हैं, डायनामिक व्यूज़ क्या हैं। ये तो होता है रेप्लिका, यानी जो असल है उसी को आप नकल बना के देखते हैं, तो ये आपके पास मटीरियलाइज्ड व्यू है। सिंपल व्यू एक टेबल पर मुश्तमिल होता है, कम्प्लेक्स व्यू जो होता है वो टेबल पर भी मुश्तमिल हो सकता है और किसी दूसरे व्यू पर भी मुश्तमिल हो सकता है। डायनामिक व्यू जो होता है ये ऐसा व्यू होता है कि जो डायनामिकली जनरेट होता है, इसके लिए आपने पहले से कोई कोड नहीं लिखा होता। ठीक है जी, ये डायनामिकली आप इनको जनरेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं, लेकिन व्यू यूजिंग अनदर व्यू, यानी ये एक व्यू है लेकिन ये किस से बन रहा है, ये एक और व्यू से बन रहा है, तो ये सिंपल व्यू नहीं है बल्कि ये कॉम्प्लेक्स व्यू है। मसलन क्रिएट व्यू क्लासिक टू एज सेलेक्ट कोर्स रूम फ्रॉम क्लासिक, ये सेलेक्ट की स्टेटमेंट चलेगी, उससे जो जवाब आएगा उसके ऊपर ये व्यू क्लासिक लॉग टू का क्रिएट हो जाएगा। यानी व्यू ऑन अनदर व्यू, दिस इज नॉट अ सिंपल व्यू, दिस इज एग्जांपल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये व्यू जो है क्रिएट व्यू क्लासिक काउंट है, और उसके बाद एज एज कैसे ये सेलेक्ट की स्टेटमेंट चलेगी और इसके बुनियाद के ऊपर ये एक व्यू जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये आपके पास सिंपल और ये डायनामिक व्यू है आपके पास, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस वन, ये क्वेरी जो है वो इस तरह का व्यू आपके सामने जनरेट करेगी। ठीक है, ये व्यूज़ के हवाले से है, व्यूज़ कितने किस्म के हैं और किस तरह से आप उनको यूज़ कर सकते हैं ये आपने इसमें देखना है। फिर इंडेक्स और इंडेक्स क्लासिफिकेशन वाला रिपीट हो गया। असल में यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है ट्रांजेक्शन। आप देखेंगे यहाँ पे लेक्चर नंबर 42 में, व्हाट इज़ ट्रांजेक्शन, ट्रांजैक्शन क्या है। आपने ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की तारीफ को याद करना है और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चार प्रॉपर्टीज होती हैं, एसिड, ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर आई थिंक ड्यूरेबिलिटी। ओके, बेसिकली ये है क्या, कभी आपने तो इत्तफाक हुआ हो कि जब आप ATM से पैसे निकलवाते हैं तो जब आप अपना पिन कोड एंटर कर देते हैं उसके बाद आप अमाउंट दे देते हैं, पैसे आपका मैसेज आपके मोबाइल में आ जाता है और किसी वजह से पैसे नहीं निकलते, तो आप परेशान हो जाते हैं कि जी मेरे अकाउंट में से पैसे कट गए हैं लेकिन किसी वजह से पैसे या कैश जो है वो मुझे नहीं मिला। लेकिन थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट 5 मिनट के बाद आप देखते हैं कि वही ट्रांजेक्शन जो आपकी हुई होती है वो बैक हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट और ये मिसाल अपने जहन में बिठा लें और इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसे ये बताया जाता है कि ट्रांजैक्शन को या तो कंप्लीट करना है, और अगर दरमियान में कोई एरर आ जाए, अगर कंप्लीट करना है तो इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन को कमिट करना, और अगर उस ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई एक स्टेप भी अगर उसका रह गया, फॉर एग्जाम्पल आपने SMS तो भेज दिया, SMS भेजने के बाद कैश ड्रॉ होना था, कैश ड्रॉ नहीं हुआ तो ATM से एक एरर मैसेज जनरेट होगा और वो एरर मैसेज जाएगा आपकी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के पास।
वो देखेगा कि इसका मतलब ये है कि ये 6 स्टेप पूरे होने थे तो ट्रांजैक्शन ने मुकम्मल होना था, कमिट होना था, इनमें से 1 स्टेप नहीं पूरा हुआ, तो वो क्या करेगा कि वो रोल बैक चला देगा उसे, और उस ट्रांजैक्शन में जितनी 5 स्टेप ऊपर हो गए थे उनको रिवर्स करेगा और वो पैसे आपके अकाउंट में से डेबिट होने का जो मैसेज आया होता है कुछ देर के बाद, वो आपके मैसेज डेबिट या क्रेडिट मुझे कन्फर्म नहीं है जी सॉरी, जो पैसे कटने का मैसेज आया होता है वो वापस हो जाता है। ऐसा अक्सर होता है एटीएम के अंदर। इसे कहते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन का या तो मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूट होना, या फिर अगर दरमियान में किसी किस्म की कोई एरर आ जाती है तो उसको फिर जो है ना वो मुकम्मल नहीं हुआ तो उसे रोल बैक करना। यही 4 प्रॉपर्टीज ये बताती है। नंबर 1 एटॉमिसिटी, यानी ट्रांजैक्शन इतनी इंडिविजुअल होनी चाहिए कि उससे मजीद डिवाइड ना किया जा सके। कंसिस्टेंसी से मुराद क्या है? परसिस्टेंट डाटा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो तो आपका डाटा जिस स्टेट में पहले था वो किसी नई स्टेट में चला जाए, दरमियान में ना रहे। अगर वो नई स्टेट में नहीं पहुंचा तो इसका मतलब क्या है कि वहां कोई एरर आई है, तो लिहाजा फेलियर अक्कर हुआ है और इसे आपको रोल बैक करना पड़ेगा। आइसोलेशन से मुराद ये है कि एक ट्रांजेक्शन जो है वो दूसरी ट्रांजेक्शन को मुतासर नहीं करेगी। जब आपके एटीएम में से पैसे निकलवाए जा रहे हैं तो आपके अकाउंट को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे लगा दिया जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप एट द सेम टाइम जो है वो चेक भी प्रेजेंट कर दें, एटीएम से भी पैसे निकलवा लें, ऐसा नहीं होता। जब एक ट्रांजेक्शन चल रही होती है तो वो वही प्रोग्रेस में होती है, दूसरी को रोल बैक कर दिया जाता है। और ड्यूरेबिलिटी, वंस ट्रांजेक्शन हैज सक्सेसफुली कमिटेड then changes committed by transaction must be durable and persistent, तो फिर उनको रिवर्स ना किया जा सके। अगर वो कमिट हो गई है फिर इसका मतलब यही है कि वो कमिट हो गई है। टोटल ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट आपकी ये है। लेक्चर नंबर 42 में भी सारा कुछ यही है। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं, एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन को इकट्ठा करके रख लेना। मसलन जब आप पैसे निकलवाते हो तो ये एक शेड्यूल बनता है, ये एक ट्रांजैक्शन नहीं बनती। मसलन क्या, मतलब इसमें आपके अकाउंट में बैलेंस भी चेक होता है, उसके बाद आपके अकाउंट में से पैसे माइनस भी होते हैं और आपका बैलेंस जो है वो अपडेट भी होता है, और जो एटीएम मशीन होती है उसमें कैश भी विड्रॉ होता है, ठीक है। एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन को एक शेड्यूल में बंद कर देना ये शेड्यूल कहलाता है। कंकरेंट का मतलब है एक ही वक्त में एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन का होना। आजकल के जमाने में ये नई बात नहीं है। कंकरेंसी और कंकरेंसी, कंकरेंट ट्रांजैक्शन हर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हैंडल करनी पड़ती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का जमाना है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसिस का जमाना है। एक ही वक्त में एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन जो है वो डीबीएमएस के पास आ जाती है, उसने उनको किस तरह से हैंडल करना है, ये कंकरेंसी एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन और किस तरह से उसने इसको कंट्रोल करना है। सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब क्या है, जब एक ट्रांजैक्शन में एक शेड्यूल में एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगी उनका एक सेट बन जाएगा, उसे हम सीरियलाइजेबल कहते हैं। तो उनको किस तरतीब के साथ एग्जीक्यूट करना है और उस तरतीब को टूटने नहीं देना, और अगर उस तरतीब को चेंज कर दिया जाए तो रिजल्ट भी आपका चेंज हो जाएगा, ये चीज कहलाती है सीरियलाइजेबिलिटी। जब आप कंकरेंसी पे काम कर रहे होते हैं, सीरियलाइजेबिलिटी पे काम कर रहे होते हैं, शेड्यूल पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको लॉकिंग की जरूरत पड़ती है। एक ट्रांजेक्शन चल रही है तो उतनी देर में दूसरी ना आ जाए कमिट होने के लिए आपको लॉक करना पड़ता है सिस्टम को थोड़ी देर के लिए। 2-पेयर लॉकिंग आप यूज करेंगे, सिंगल पेयर लॉकिंग आप यूज करेंगे, ये आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में भी पढ़ा होगा। और अगर खुदा ना हास्ता कंकरेंसी हो रही है और किसी वजह से कंकरेंसी के अंदर कोई एरर आ गया तो फिर डेड लॉक की सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट हो जाती है कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो हैंग कर जाती है। इसको हम डेडलॉक की सूरत कहते हैं। डेडलॉक से कैसे बचा जा सकता है, 3-4 तरीके होते हैं। डेडलॉक को प्रिवेंट किया जा सकता है, डेडलॉक अगर हो गया है तो उसे रिजॉल्व किया जाता है। ये डेडलॉक से मुतलका चीज़ें आपने नीचे जाके पढ़नी है। डेडलॉक लॉकिंग जो है और सीरियलाइजेबिलिटी जो है ये टॉपिक्स जो हैं ये आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़े होंगे और वहाँ पर भी आपको, यानी ये इनके जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी।
सीरियलाइजेबिलिटी और डेडलॉक्स और व्यूज और इंडेक्सेस जो हैं उन पर फोकस करना है। इनमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो आएंगे और आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा जी। थैंक यू वेरी मच जी। ये जी मैं आपके लिए कर सकता था जी। ओके जी, मैंने सारा कुछ इसमें सना बता दिया है। आप अगर इस वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो आप डेफिनेटली इसे देख भी सकेंगे और आपको पता भी चल जाएगा। आयशा 301 का वादा नहीं करता, ठीक है, कोशिश करूंगा कि उसका भी वीडियो बना के मैं फाइनल टर्म के हवाले से बता दूं, क्योंकि उसकी भी एक दो वीडियो ही रहती हैं। आज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकेगी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है कल वाले दिन में एक वीडियो बनाऊंगा, तो कोशिश करूंगा कि CS 301 को ही बना लूँ। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।